हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केरल में गर्भवती हथिनी की हत्या से देश भर में आक्रोश, देश में सियासत तेज, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, आरोपियों की पहचान बताने वाले को इनाम का ऐलान। केरल में गर्भवती हथिनी को अनानास में पटाखे भरकर खिलाने से उसकी मौत के मामले में हैदराबाद शहर की यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ने इसमें शामिल बदमाशों की पहचान बताने वाले को 2,00,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। उल्लेखनीय है कि केरल के कोची में कुछ लोगों ने मानवता को शर्मसार करते हुए एक हथिनी को अनानास में भरकर पटाखे खिला दिए। ये पटाखे हथिनी के मुंह में फट गए, जिससे हथिनी के साथ साथ उसके पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई थी। केरल के पलक्कड़ जिले में एक गर्भवती हथिनी की मौत के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने का हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में जांच जारी है, 3 लोग संदिग्ध हैं। हम दोषियों को सजा दिलाने की हर संभव कोशिश करेंगे। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी गुरुवार को कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र ने केरल में हथिनी की मौत को गंभीरता से लिया है। हम सही तरीके से जांच करने और अपराधियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये भारतीय संस्कृति नहीं है कि जानवरों को पटाखे खिलाकर मारो। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।